टैंक चू चू। अभी मैं अपनी गाड़ी हटाने के लिए आया था पार्किंग से और मुझे लगा ये फॉग है पहले, तो जब मैंने वाइपर चलाया ना देर तब मुझे बताला यार ये फॉग नहीं है, ये तो इसके ऊपर बर्फ जम गई है। मुश्किल से पार्किंग से हटाई है ना गाड़ी, मेरे को पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। साइड से मैंने शीशा नीचे करके गर्दन बाहर निकाल के फिर मैंने आगे गाड़ी बढ़ाई, क्योंकि ये तो अभी थोड़ा कम हो गया है। जीरो विजिबिलिटी, कुछ नहीं, सिर्फ लाइट के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सामने। और सुबह के बज रहे 6:30 और 3 degree टेम्परेचर और क्या, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रात को पक्का 2-3 बजे के आसपास 1 या 0 तो गया ही होगा, तभी ये शीशे में से बर्फ जम जाती है। सिम्बा बगल में हमारे है, सिम्बा सिम्बा देख देख रहा हूँ इसको अपनी शक्ल। कोई बात नहीं, इंसान के बच्चे रोज नहाते हैं। हाँ? नहीं नहाते ना, नहाया तुमने आज? गुड, कोई तो साथ है मेरे, है ना? हमारे घर में छोटा सा मेहमान आया है चिंबू। भाई सुबह सुबह कहाँ आ गया तू? दीपा यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है, ये भाई सब आगे सुबह सुबह बैठी। हाँ भाई, सबसे पहले तेरे को ही करना है ब्रेकफास्ट। ठंडा लग रहा है, इसको कहाँ पर आया रही है? जैकेट में आएगा? जैकेट में आ जा, जैकेट में आएगा आ जा, फुट मैट पर बैठेगा, आ जा इसके ऊपर बैठ जा, ठंडा नहीं लगेगा, बैठ जा इसके ऊपर, कहाँ बैठेगा। अच्छी कितना कितना खुश आता है भाई तू, कितना प्यारा सा लगता है ना ये गोलू मोलू। तो ओ यार ठंड लग रही है, कहाँ पर आई पता है? तो इसको सिम्बा भी बोलते हैं, शिम्बू भी बोलते हैं, शिब्बू भी बोलते हैं। लाइन ही मस्त है इसकी एकदम बीचों बीच। देखा कहाँ कहा तीसरा लिखा, ओए हो शर्मा गई क्या? दीदी दीदी क्या कैसे कर रहा है? दांत इतने पहने पहने हैं ना भाई साहब, सुई की तरह चुभ रहे। क्या चाहिए भाई? ओए 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 शिम्बो, ओए शिम्बो, ओए मेरे पाँव मत काट दियो तू। सवा सवा चटाई दो गिन के हमारे पास चटाई है, वो भी फड़ दे तू। ये किले कहाँ से हो रहे इतना तू? आ जाओ आपको भी हम अपने ब्लॉग में लेंगे। दिख 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 इतना तेज है। पजाम फाड़ दिया, मेरा पजाम फाड़ दिया इसने। इधर 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 इधर। भाई आतंक मचा दिया उसने। ओ दीदी कुंजा बैठो, को बैठ पे बैठो कुंजा, बैठो कुंजा। भाई इतनी तेज क्यों काट रहा है? थोड़ा आराम से काट। मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई भाई, दो टुकड़े हो गए। नहीं इसको सिखाना पड़ेगा, थोड़ा धीरे काटने, थोड़ा छोटा है ना ये। देख कुछ भी मिल जाए सिंबो, देख दे नीचे आ गई, वो नीचे आ गई, देख क्यों जाओगे उसके पास जा। आपस में ही लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। मेरी चप्पल नहीं सिंबो, अटैक अटैक सिंबा सिंबो अटैक। ओ बोले सिंबा जब इसका एक कान मस्त देगा, एक कान खड़ा हुआ एक कान बैठा हुआ है अभी, वो छोटा ना ऐसे होता है। धीरे धीरे आ जा, ये मस्त है, एक हाथ से पकड़ लो खरगोश की तरह। चू चू। ये मस्त। ओए ओए आई शाबाश, बोले कितना भाग गया। हाँ भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? थोड़ा सा देना पहले इसको ना, खाएगा नहीं खाएगा, लो दे मेरे को। आ जा शिम्बा, यही दो आ जा शिम्बा, दलिया खाया दलिया। ओ बाप रे तो भूखा है, खत्म। पूरा हाथ ही रख दिया उस पे इसने। चालू शिम्बो क्या खाएगा? और दूँ उसे? अच्छा आज 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 इसके ऊपर हाथ मत रखना। ये आ गया ले जाएंगे करके वापस आ गया। चलो चलो बाय बाय, जा रहे बाय। देखो सिम्बा तो चला गया अपने घर और
और मुश्किल आज उभार है क्योंकि धूप निकलने वाली है नहीं आज जैसा मौसम लग रहा है। काफी दिनों से ना मैंने अपडेट नहीं दिया अपने घर के बारे में। जो पुराना वाला घर हमारा रिनोवेट हुआ है, मतलब नया बना है, मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत अपडेट देता हूँ कि क्या क्या उसमें काम हो चुका है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा और आज लाइटनिंग भी कम है। सो गाइस ये देखो तैयार हो गया, प्लास्टर वगैरह हो गया, इसमें कुछ ऐसा दिखता नया वाला घर। तो इसमें यहाँ पे ये जो आगे की तरफ यहाँ सीमेंटेड हो गया, उसके ऊपर एक स्टेप है। पहले घर पूरा यहाँ तक था बट अब जरूरत नहीं थी तो हाफ ही बनाया है और हाफ छोड़ दिया है। ये फ्लोरिंग वाला काम कल ही हुआ है, कल ही इन्होंने सीमेंट डाला था और प्लास्टर वाला हो चुका था पहले ही। पता ही जिस शहरों में घर होता है वैसे दिख रहा होगा बाहर से, लेकिन इसका जो मेन चीज़ है वो है अंदर की तरफ से। तो अंदर की तरफ से ये दीवार देखो, ये चीज़ शहरों में देखने को नहीं मिलती। अब मेरा हाथ देखो, काफ़ी बड़ा हाथ है मेरा, मतलब नॉर्मली लोगों का होता नहीं इतना बड़ा हाथ, मतलब कितनी बड़ी दीवार है ये। तो इसको बोलते हैं नॉर्मली 18 इंच की दीवार। और ये पत्थर नदियों में से जो पुराने ज़माने में पत्थर लगाए जाते थे घरों में, वही वाले पत्थर हैं। तो अभी यहाँ पे भी पूरी फ्लोरिंग हो चुकी है, इस पर अभी जो लास्ट काम होना है वो जो कल या परसों होगा, क्योंकि बारिश होगी तो और थोड़ा टाइम भी लगता है जो फ्लोरिंग में सीमेंट लगता है उसको सूखने में। तो यहाँ पे बोलते हैं चट्टी, बोलते हैं चट्टी होती है वो चढ़ेगी जो सीमेंट का घोल डालते हैं। बाकी ये दीवारें हम लोगों ने अभी नहीं कराई है, इसमें जो प्लास्टर होता है वो जब पापा आएंगे वो तब कराएंगे। वो खैर बात ही बात है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। और एक ये है, ये तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका था ना, ये वॉशरूम है। चेंजेस है, बड़ा बेसिक सा ही है ये, बस ये इसलिए बनाया था क्योंकि पुराना घर था, पैतृक बोलते ना घर, जो मतलब आपके दादा परदादा के टाइम का घर होता है उसको पैतृक घर बोलते ना, इसलिए ये बनाना ज़रूरी था। इसलिए जितना बेसिक हो सके उतना ही बनाया। और बस यही अपडेट था जो मैं देना चाहता था।